हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी पेपर सेकंड की, ठीक है, जो 2023 में अभी हुआ न्यू पैटर्न के अनुसार। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि रस प्रदूषण विकार कौन सा होता है, पांडु है, विषप है, असर है, या उपयोगी सभी है। तो रस के जो दे रखा है ना लास्ट में कि कौन कौन सी डिजीज होती है, तो वो बता रखा है। उसके बाद जो होता है कि तुम्हारा अगर रक्त क्षय हो गया तो क्या होगा, परोसा हो सिरा से तेल दोनों ही होंगे। मांस जो सिरा होती है स्रोतस होता है, उसका मूल पूछा गया है किसका क्या होता है। ठीक है, इस मास पूछा भी ये अस्थि, ये तीनों इंपोर्टेंट है ना, मास, मेद और अस्थि। वाघभट के अनुसार अस्थि धातु का जो क्रम होता है ना भाई, क्रम का एक कोटेशन होता है वाघभट के अनुसार, है ना, रस रक्त मास मेद का जो कोटेशन होता है वो वाला याद कर लेना, ताकि तुम्हारे इस बार अस्थि का पूछा है तो अगली बार रक्त का पूछ सकता है, मास का पूछ सकता है, इस हिसाब से। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है, मज्जा का स्थान कहाँ पर होता है। ठीक है, शुश्रुषा का लक्षण कैसे होता है, कैसे होता है, पिचिल होता है। ठीक है, आश्रय आश्रय भाव के अंतर्गत रक्त का आश्रय क्या होता है, पित्त है। और सुषुप्त के अनुसार जो तीसरी जो लेयर होती है त्वचा की, अलग अलग लेयर बता रखी है, वो कौन सी होती है, उसके टाइप्स याद कर लेना सारे, सुषुप्त और चरक दोनों के अनुसार याद कर लेना। सुषुप्त के अनुसार पूछा गया, लेकिन सतर्क चरक के अनुसार भी मैक्सिमम क्वेश्चन में देखा गया। पीजी इस बार इंट्रेंस एग्जाम पीजी में भी शायद ये क्वेश्चन उठाया था। श्वेत जो वर्दी का लक्षण होता है क्या होता है, ये बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मन का विषय क्या होता है, मन के, ये तो तुमने फिर उसमें पदार्थ विज्ञान में पढ़े है, गैनोसाइड है ना, मोनोसाइड, एक लिम्फोसाइड, एक बायोसोफिल, क्या चीज़ है गैनोसाइड। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग कोशिका क्या होती है, जो एंटीजन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, मैक्रोफेज करती है या डेंड्रिटिक कोशिका करती है। रक्तदाब में वृद्धि करने वाला जो कौन सा होता है, कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और बुरा कोलेस्ट्रॉल है, शुक्राणु, शुक्र में शुक्राणु कम होना क्या कहते हैं। इतना नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, तुमने 12th लेवल के है, ज़्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। जीपीआर क्या है, ये क्या है, बड़ा क्वेश्चन की बात करते हैं आज हम। तो 21 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि आश्रय सुश्रुत के अनुसार रक्त सेवन का कैसे होता है, वो विधि समझानी है। ठीक है, कि रस का सेवन आश्रय सुश्रुत के अनुसार कैसे होता है भाई। 22 क्वेश्चन है कि मजासार और शुक्रजार पुरुष का लक्षण पूछा है, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब हर बार रिपीट होती है ना, एक सार का, तो मतलब जितने सार है ना भाई सार, उनके पूछता है सार टाइप के सार के। ठीक है, इस बार ये पूछ लिया, अगली बार वो सार टाइप के सार होते हैं, उसको वेद के अनुसार मैंने करो, किसी को भी 2-5 2 के दे सकता है। अर्थ की उत्पत्ति, 6 वर्दी वेदों का लक्षण पूछा गया है, स्वप्न की उत्पत्ति और भेद। बड़े क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न का है, ठीक है, इसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है फिजियोलॉजी। और 26 है कि जो स्केलेटल मसल्स है उसका कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो समझाना है। ये लोगों को ज़्यादा पढ़ते हो, कैसे सुनते हो, जो एनाटॉमी में ये इनर ईयर मैक्सिमम पूछते हैं ना भाई, कि अंदर वाला जो उसकी संरचना पूछते हैं, उसी का जो है कि मतलब उसकी मैकेनिज्म क्या होती है सुनने की। एक और क्वेश्चन बढ़िया है कि 28 वाला, ये तुम्हारे फुवाल में इस बार आने के 99% चांस है कि मलत्याग विधि समझाइए, बड़ा क्वेश्चन आएगा ये भी। 29 क्वेश्चन जो है, मेध धातु की उत्पत्ति क्या है, स्थान प्रमाण से। अब तुम एक बात नोटिस करना इस पेपर में कि मैक्सिमम क्वेश्चन मेध पूछा है, ठीक है, मेध और मास। तो बाकी पेपर में जैसा भी होने वाला है ना, जो 28 से या 13 सितंबर से, उसमें रक्त, मांस, मेद और अस्थि, ये रट लेना भाई। वर्दी प्रमाण कितने हुए, इसकी कमी से, शेष है, कौन सी डिजीज होती है, लक्षण क्या है, ये सब याद कर लेना, क्योंकि ये 4 ऐसी जाते हैं जिसके मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। मांस और मेद तो ऐसा होता है कि हर बार मतलब एक पेपर में मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन, तो वो उसके गुण, भेद और उसकी विकृति के लक्षण। ठीक है, वो मतलब बड़ा क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में, अच्छी बात है कि मैक्सिमम ये 5 नंबर के पूछते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो होते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मूत्र निर्माण विधि लिखना है, धातुमल लिखी है, और उसके बाद 32 क्वेश्चन है भाई कि जो रक्त का थक्का बनता है ना, वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और एक अशुद्ध के अनुसार रक्त संवन में अंतर है भाई, दोनों एक मत टिका देना, कि वहाँ रक्त संवन पूछा इसके अंदर लिख करके वहाँ मत लिख देना भाई, नंबर काटेगा वो, ठीक है, देगा भी नहीं, एक भी नंबर ना देगा। और इसमें तो कोटेशन वाली बात हुई नहीं, एक कोटेशन आज मेध धातु का जो 6, और अगर तुम उत्पत्ति जो होती है ना उसमें अगर कोटेशन लिखो तो लिख सकते हो,
बाकी तो इसमें कोई कोटेशन नहीं है। एंड थैंक यू गाइज, जितने हो सके भाई सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से, जहाँ 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 मिले ना भाई कि BMS वाला है टिकाओ, जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक तो ठीक है, कमेंट भी चलो हटाओ, ये ज़रूरी नहीं होता। सब्सक्राइब करो जितने हो सके, और जितना हो सके भाई एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करो कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और भाई इतने तुमने सपोर्ट की है 2-3 दिन में, अभी चैनल ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा प्रोसेस की है। नेक्स्ट वीडियो अभी पेपर कंप्लीट हो गए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि तुम्हें कि किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। 28th एग्ज़ाम है और 30 मतलब यूपी के अंदर 28th है और MP के अंदर 38 13 को है, तो मैं उससे पहले पहले बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू गाइज।